Good morning everyone, welcome back again. So here we have one chapter, accounting ratio, and this is 12th accountancy. Here we will go to the page number. Before we will, today what we are going to cover, interest coverage ratio. So before it, we have already covered the liquid ratios. In liquid ratio, current ratio and quick ratio, then we are moving towards solvency ratio. Solvency ratio में अभी तक हमने क्या किया है, debt equity ratio किया है, total asset and debt ratio किया है, proprietary ratio किया है, interest coverage ratio ये हमें करना है. Okay, so debt equity ratio. Debt equity ratio क्या होता है? Debt divided by equity, सभी को मालूम है. Second, total asset to debt ratio, इसका formula होता है total asset to debt. ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं इस पे भी. प्रोप्राइटरी रेशियो भी हमने कर चुके हैं. क्या होता है प्रोप्राइटरी रेशियो? शेयरहोल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट. लास्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये होता क्या है चलिए देखते हैं. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये क्या करता है, ये स्टेब्लिश करता है रिलेशनशिप किसके बीच में, जो नेट प्रॉफिट, जो लास्ट में हमारा प्रॉफिट आता ना, जिसमें से हम इंटरेस्ट और टैक्स भी डिडक्ट कर देते हैं, उस नेट प्रॉफिट मतलब जो एक्चुअल प्रॉफिट जिसमें से आप कुछ भी नहीं घटाना, उस प्रॉफिट का रिलेशनशिप किससे निकालता है, इंटरेस्ट जो हमें लॉन्ग टर्म डेट पे देना है. अगर हमने कोई बड़ा लोन लिया है और उस पे जो इंटरेस्ट दे रहे हैं उसका रिलेशनशिप किससे, प्रॉफिट से, ये एस्टेब्लिश करता है. कौन सा रेशियो? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. जितना ज्यादा रेशियो होगा उतना अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास ज्यादा प्रॉफिट होगा तभी ज्यादा रेशियो निकलेगा. तो जितना ज्यादा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रहेगा, जितना ज्यादा इंटरेस्ट कवरेज रहेगा मतलब प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा है. तो ये हमारे लिए क्या है, अच्छा है. तो जितना ज्यादा रेशियो होगा उतना अच्छा होना, उतना अच्छा है. चलिए इस पे बेसिक क्वेश्चन देखते हैं. ओके, लेट्स गो थ्रू द बुक. इलस्ट्रेशन नंबर 63, पेज नंबर 4.39. क्या पढ़ा अभी हमने, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में पढ़ा है. अच्छा क्या होता है, इसी पे बेसिस एक इलस्ट्रेशन करते हैं, जिसमें एक प्रकाश है, उसने क्या है टर्म लोन लिया है. कितने का? 10 लाख रुपीस का टर्म लोन लिया है, जिसपे उसका इंटरेस्ट कितना बना है साल के अंत में, एट द एंड ऑफ द ईयर हाउ मच इंटरेस्ट ही हैव टू गिव. 1,25,000 ही हैव टू गिव. अच्छा ठीक है, 1,25,000 साल के अंत में उसे इस टर्म लोन का इंटरेस्ट चुकाना है. उसके बाद में क्वेश्चन में आपसे कहा है कि आपको प्रॉफिट दे रखा है जिसपे इंटरेस्ट और टैक्स अभी नहीं कटा है. नेट प्रॉफिट, ध्यान से देखें इस टर्म को, नई टर्म है आपके लिए. नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब ये वो प्रॉफिट है जिसपे अभी तक इंटरेस्ट और टैक्स, इंटरेस्ट मतलब जो हमने इंटरेस्ट काटते इंटरेस्ट वो, और टैक्स जो गवर्नमेंट को देखते हैं वो टैक्स, वो अभी नहीं काटा है. वो कितना है, 5 लाख रुपीज ये हमको दे रखा है. तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पूछा गया है. तो कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, हमको मालूम है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू, ध्यान से देखें, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट. यही फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, है ना. मतलब हमें प्रॉफिट को डिवाइड करना है इंटरेस्ट से. इंटरेस्ट किससे, जो हमने लॉन्ग टर्म डेट लिया है, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म, है ना. लॉन्ग टर्म मतलब इसके अंदर क्या आता है, लॉन्ग टर्म डेट मतलब करंट लाइबिलिटी में आती है. शॉर्ट टर्म लोन जो एक साल के अंदर के दो लोन रहते ना वो नहीं आते. बाकी जो मोर देन 5 या 7 ईयर लोन है वो सारे लॉन्ग टर्म डेट के अंदर कवर हो जाते हैं. ओके, सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन ने क्या कहा है, हमको सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्या, हाँ, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड देख रखा है. ओके, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है क्या, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, यस दे रखा है. टर्म लोन एक लॉन्ग टर्म लोन है जो मोर देन 1 ईयर रहता है, इसलिए इंटरेस्ट, इस साल का इंटरेस्ट भी हमें दे रखा है, निकालने की भी जरूरत नहीं. तो डायरेक्टली फाइव लेख डिवाइड बाय कितना, 1 लेख
25,000 काटेंगे तो कितना आएगा, 1 लाख 125 4 500 4:1 हाउ मच इट विल कम 4:1 इसे हम टाइम में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं 4 times ये रेशियो जितना अच्छा होगा उतना अच्छा है हमारे लिए, मतलब अगर 4 से ज्यादा होगा तो भी और बढ़िया है। इसका मतलब ये शो करता है कि हमारी कंपनी में प्रॉफिट का लेवल ज्यादा है, क्लियर है। चलिए मूविंग टुवर्ड अवर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। ओके सो इलस्ट्रेशन नंबर 64 पेज नंबर 4.39। अब हमें क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है जिसमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ध्यान से देखना, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब ये वो प्रॉफिट है जिसमें टैक्स ऑलरेडी क्या है डिडक्ट हो चुका है ना, ऐसा प्रॉफिट जो टैक्स लगने के बाद में आया है, कितना है 1,20,000। 12% लॉन्ग टर्म डेट, अच्छा देखो हमने लॉन्ग टर्म डेट मतलब इस 12% लॉन्ग टर्म डेट से मतलब ये हमेशा 12% क्या लिखाता है, 12% वो है कि ये इंटरेस्ट है 12%। कोई भी अगर डेट लिखी है मतलब ये लंबा उधार लिया है, लंबा उधार रहता है, लॉन्ग टर्म डेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, लंबा उधार। इसके आगे जो 12% 8% जो भी लिखा रहता है वो क्या रहता है, इंटरेस्ट का परसेंट लिखा रहता है। तो यहाँ पे भी हमें क्ल्यू दिया है कि इंटरेस्ट का परसेंट कितना है 12%। वो कितने का लोन लिया है 20 लाख रुपीज का। टैक्स रेट कितनी है 40% है। और क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि फाइन फाइन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, निकाल सकते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। चलिए देखते हैं क्या होता है फॉर्मूला इसका, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। चलिए देखते हैं, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन देखते हैं, क्या हमें दे रखा है, क्या जरा देखते हैं, ये दे रखा है लोन, ये दे रखा है रेट, क्या इससे हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे जरा देखें, इधर वर्किंग नोट बना लेते हैं। ओके तो वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1 है ना, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन कितना है, 20 लाख का लोन है, 20 लाख का लोन है, ये देखिए 20 लाख कितना परसेंट, 12%, कितना आएगा 12 × 24, नीचे के दो जीरो घटा कितना हो गया 2,40,000। क्लियर है सभी को, वर्किंग नोट सेकंड पे चलते हैं। वर्किंग नोट सेकंड, अब हमें क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अच्छा देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें है ना नेट प्रॉफिट, हमको बिफोर वाला चाहिए जिसपे अभी इंटरेस्ट भी नहीं कटा हो और टैक्स भी नहीं कटा हो, ये वाला प्रॉफिट चाहिए हमें। वर्किंग नोट 2 फॉर्मेट देखो इसका, हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने के लिए क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जिसमें इंटरेस्ट और टैक्स लगानी हो,
ये चाहिए। पर क्वेश्चन ने हमको क्या दिया है, क्वेश्चन ने हमको क्या ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है क्या? नहीं, ये नहीं दिया है। इंटरेस्ट दिया है क्या? ये भी नहीं दिया है ना। नहीं, इंटरेस्ट तो दिया है, इंटरेस्ट हमने निकाला है, ये दिया है। पर क्या हमें ये दिया है? नहीं दिया। पर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इंटरेस्ट काटने के बाद में क्या बनता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना। फिर टैक्स हटाते हैं तो क्या बनता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुने। वो प्रॉफिट जिसपे इंटरेस्ट और टैक्स नहीं कटा है, ये हमको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन द्वारा देना चाहिए था, पर ये नहीं दिया गया है। फिर इनमें से अपन इंटरेस्ट हटा देते हैं तो क्या बचता है? वो प्रॉफिट जिसपे टैक्स काटना है। ओके, इधर देखें, इंटरेस्ट काटने के बाद क्या बचता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स मतलब अभी टैक्स और काटना है, इसको आफ्टर टैक्स नहीं बोलेंगे, बिफोर टैक्स। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि इसमें से टैक्स काटना है। फिर टैक्स काटने के बाद में क्या आता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद में इंटरेस्ट और टैक्स। क्लियर है सभी को? तो हमको क्या दिया है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है। दिया है क्या? क्या दिया है? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या हमें कितना दिया है? इधर क्वेश्चन में देख के बताओ, क्वेश्चन में हमें कितना दिया है? 1,20,000 दिया है। और ये क्या है? आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,20,000। सभी को क्लियरली जीरो मेंशन हो रहे हैं। अच्छा, और क्वेश्चन ने एक हिंट दिया हमको कि टैक्स रेट जो आपके कटा है ना, वो कितना कटा है? 40%। देखो मैं तो लिख देता हूं, 40% टैक्स रेट कटा है। तो ये हमको क्या निकालना है? हमको हमको ये निकालना है, ऊपर सबसे ऊपर तक आना है। तो सबसे ऊपर तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको टैक्स रेट निकालना पड़ेगी। अच्छा, टैक्स रेट कैसे निकालेंगे? जरा इधर देखें, इसको मिटा रहा हूं मैं, इधर देखें, ये 1,20,000, इस पे टैक्स कितना लग, ऊपर ये 100 था, ये 100 था, 100 में से 40, 100% में से 40% टैक्स कटा, तो कितना बच गया? 60%। तो ये 1,20,000 कितना है? 60% है, तो 100% कितना होगा? करो, कैलकुलेट करो इसको, कितना होगा? काटो, 62,120 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा? 12,000 मल्टीप्लाई 100, 2,00,000 क्या आ गया? 2,00,000। तो 2,00,000 क्या है हमारा? ये 100 के बराबर, 60 हमने 100 के बराबर कर दिया, ये 100 के बराबर कितना आ गया? 2,00,000। मतलब अब हम बता सकते हैं कितना टैक्स कटा है? 40%, 2,00,000 में से 1,20,000 गए, तो कितना बचा? 80,000। ये ब्रैकेट लगा देते, ब्रैकेट मतलब माइनस में है, माइनस नहीं लगाते हुए ब्रैकेट लगा देते। ओके, अब हम यहां तक तो पहुंच चुके हैं। क्या हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा? हाँ, इंटरेस्ट हमने वर्किंग नोट फर्स्ट से फाइंड आउट किया है, कितना? 2,40,000 लिख देते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे, 2,40,000 प्लस 2,00,000 तो कितना जाएगा? 4,40,000। चेक करो ये आएगा क्या, है ना, 4,40,000 आएगा। चलो, तो ये क्या आ गया हमारे पास में? 4,40,000 नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, यही तो निकालना था हमें, लिख देते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ वर्किंग नोट भी डाल देते हैं, ये वर्किंग नोट 2 से आया है ना, और नीचे वाला किससे आया? वर्किंग नोट नंबर 1 से। अब इसे आप काटे तो आपका क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ जाएगा। इसे काटेंगे तो कितना जाएगा? 1.83। इसे हम टाइम्स में लिखें, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, ये वर्किंग नोट मैंने आपको पहले नहीं समझाया, आप क्वेश्चन के बीच में इसलिए समझा रहा हूं, तो क्योंकि समझ में आना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कैसे निकालना है। ओके, एक बार और इस फॉर्मेट को आप लिख लें अपनी कॉपीज में, और इसको अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से ट्राई करें। एक बार मैं लिख के वापस करवा देता हूं,
ये वो प्रॉफिट है जिसपे इंटरेस्ट ऑन टैक्स अभी कटा नहीं है, ये हमको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए निकालना है। पर क्वेश्चन क्या है, कभी भी हमने हमको कुछ भी दे सकता है, वो हमको कभी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी दे सकता है, वो अभी नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स भी दे सकता है ना। तो हमको अगर ये दिया है आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स दिया है ना, प्रॉफिट इंटरेस्ट टैक्स काटने के बाद में दिया, तो इससे भी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स निकालना आना चाहिए। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है तो इससे भी हमको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना आना चाहिए। अगर ये आपको आ गया तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर, ये सभी को आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो इट्स टाइम फॉर होमवर्क। एक्सरसाइज के अनसोल्ड क्वेश्चन जो पेज नंबर 4.105 पे क्वेश्चन नंबर 61 टू 65, ये टोटल जो क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पे बेस्ड है। आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करें, इफ यू विल सोल्व देम देन ओनली यू विल एबल टू डू देम। देखने से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। ओके, सो सोल्व देम। थैंक यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।